हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंचन। कंचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण स्पेशल कढ़ी बना के बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने तड़का छाछ लिया है, इसे ताक भी कहते हैं। ये मैंने आधा लीटर लिया है। इसके लिए मैं डालूँगी इसमें 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन का मैं अच्छी तरह से घोल बना लूँगी। यहाँ पे मैंने बेसन का अच्छी तरह से घोल बना लिया है। इस घोल को मैं इस ताक में मिक्स कर दूंगी, डाल दूंगी और इसे मैं मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से, ताकि मेरा बेसन का घोल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। गैस में कम कर दूंगी और इसे मैं धीमी आंच पे अच्छी तरह से बॉईल होने दूंगी, ताकि इसमें जो मैंने बेसन डाला है वो अच्छी तरह से पक जाए और मेरी कढ़ी थोड़ी थिक लगे। इसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक और इसे मैं उबलने देती हूँ। तब तक मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। तड़के में मैं क्या क्या डालूँगी? राई, जीरा, हींग, हरा धनिया, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, कस्तूरी मेथी और शक्कर। यहाँ मैंने तड़का निकाल लिया है। कड़ी बॉईल होने पे मैं तड़का दे दूंगी। कड़ी मेरी अच्छी तरह से बॉईल हो रही है, मैं इसे थोड़ा और बॉईल होने दूंगी, ताकि इसमें का बेसन अच्छी तरह से पक जाए और मेरी कड़ी थोड़ी थिक लगे। आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा कि मैं कैसी रेसिपी बनाती हूँ और मुझे कैसा बनाना चाहिए। यहाँ पे मेरी कढ़ी बॉईल हो रही है। अब मैं इसमें तड़का दे दूँगी। तड़का देने के लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। मैं आपको चम्मच बता रही हूँ, मैं हमेशा इसी चम्मच से तेल यूज़ करती हूँ। तेल गरम होने पे मैं उसमें डाल दूँगी राई जीरा। अच्छे से फ्राई होने पर उसमें हरी मिर्च डालूँगी। हरी मिर्च को आप फेस के भी डाल सकते हो खलबत्ते में, या फिर और बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हो। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्ची ली है, थोड़े से कड़ी पत्ता डाला है और कस्तूरी मेथी को हाथ से मैश करके डाला है। कस्तूरी मेथी ऑप्शनल है और मैंने हींग भी डाला था थोड़ा सा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इस कढ़ी में मैं डाल दूँगी। मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है और कढ़ाई में मैंने डाला है 1/2 गिलास पानी बॉईल होने के लिए। और इसमें मैं डालूँगी शक्कर 1/2 टेबल स्पून। आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हो। शक्कर को मैं अच्छी तरह से मेल्ट होने दूँगी और मैं इस पानी को कढ़ी में डाल दूँगी, क्योंकि मेरी कढ़ी बहुत थिक हो गई थी, मुझे इसे थोड़ी पतली करना है, इसीलिए मैंने इसमें डाला है 1/2 गिलास पानी। अब मैं इसमें हरा धनिया काट करके डाल दूंगी। आप पानी आपके हिसाब से डाल सकते हो, आपको कितना थिक रखना है और कितना पतला रखना है। यहाँ मैंने हरा धनिया काट करके डाल दिया है और ये मेरी खट्टी मीठी कढ़ी बनके तैयार है, बिना कांदा लहसुन के। आप चाहे तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हो, मैंने नहीं यूज़ की है हल्दी। ये कढ़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में, स्पेशली चावल के साथ, और पीने में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी बना के ट्राई कीजिएगा कि ये कढ़ी कैसी लगती है। मैंने आज ये कढ़ी हमारे लंच के लिए बनाया है।